बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक है ना? मुझे उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे और खुशोखुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। अमीन सुम्मा अमीन। आज मैं बेक पोटैटो और चिकन बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे और ज़रूर अपने अपने घरों में बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे। ये तकरीबन मैंने 1 किलो के मुताबिक लिया है, चिकन लेग ली है जिसको बोन तक कट लगा ली है, धो के साफ कर लिया है। और ये 1 किलो के मुताबिक जो है मैंने आलू लिए, पोटैटो जो है वे 1 कप मेजरिंग जो है वो बड़ा जो है उसका योगर्ट का लिया है, ये लीमू 1 लिया है और बड़े साइज का, और जिंजर और गार्लिक है इसमें से 2 टेबल स्पून डालेंगे, और 2 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल की हैं जो इसमें ऑयल करेंगे। ये तिक्का मसाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये ड्राई धनिया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, और ये भुना कुटा ज़ीरा है, और रेड चिल्ली है कश्मीरी जो हमने इसमें डाली है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये भुना कुटा ज़ीरा है, और चाट मसाला है, और 1 टेबल स्पून साल्ट है 1.5। अच्छा, ये आलू जो है हमने काट के धो के पानी में रखे हुए थे, इसके बाद लेग जो है उन्हें धो के बोन तक कट लगाए हुए हैं, और उसको मैरिनेट करना है सारे मसाले के अंदर मैरिनेट करना है। ये तकरीबन ये योगर्ट जो हमने लिया था उसमें हमने भुना कुटा ज़ीरा जो है 1 टेबल स्पून डाल दिया है, ये नमक है वो 1 टेबल स्पून वो भी डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून है वो भी डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है और इसमें बहुत अच्छा कलर भी आता है। और साथ ये तिक्का मसाला है 1 टेबल स्पून, ड्राई धनिया है 1 टेबल स्पून, और भुना कुटा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून। इस लेमन का जूस है तकरीबन 2-3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जिंजर है और 1 टेबल स्पून गार्लिक है, 2 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल है, ये 2 टेबल स्पून ऑयल है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ये हमने चिकन के ऊपर डालना है और अच्छी तरह इसको मैरिनेट करेंगे आथू के साथ, आथू के साथ इसको करेंगे, और ताकि बोन के अंदर तक जो है इसके मसाले जो है जाएं, और बेशक आप 1 आवर के लिए रख दें, रखने के बाद किसी की कोई भी ओवन वाली ट्रे ले लें, उसमें के अंदर ऑयल लगा लें और उसमें ये चिकन और पोटैटो आलू जो है दोनों डाल लें चीज़ें, क्यों ऑलरेडी ये मैरिनेट हुआ है, बहुत प्यारा इसका टेस्ट आएगा, जितना देर रखेंगे आप रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी इसको सिंगल सिंगल जो है कर दें, ये तकरीबन 45 मिनट में तैयार हुआ है और बहुत ही बेहतरीन बना है, साथ पोटैटो भी। आप बेशक नान के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, ये तकरीबन 45 मिनट हमने ओवन में इसको रखा है और 2 दफ़ा चेक किया है, हमने 2 दफ़ा फ्लिप किया है सब को, और बहुत ही अच्छा फ्लिप करना है ताकि सही वो ब्राउन हो जाए। okay.
थ्री हीट किया है और 350 पे ओवन है और तकरीबन 45 मिनट में ये तैयार हो गया है। अभी इसने अपना पानी छोड़ा है, योगर्ट भी है साथ, लेमन भी है, और इसके साथ जो हमने फ्लिप किया है इसको दो दफ़ा, फिर तैयार हो गया है, डिश आउट कर दिया है। और आप देखेंगे ज़रूर, आप लोग इसको लाइक करेंगे और ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और बहुत सी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।